पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने इस लॉकडाउन के दौरान अपने फैंस से मिलने के लिए लिया सोशल मीडिया का सहारा और अपने फैंस से मुखातिब होकर जताई अपनी खुशी। तो दोस्तों आज ऐसे ही फालतू बैठे हुए हैं घर पे, सो कुछ बातें जो है आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि जैसे कि आप सब शो का कमबैक कब है किसी ने पूछा है, तो अभी हमें भी श्योर नहीं है कि जो लॉकडाउन है कब तक खुलेगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि न्यूज में तो 3rd of May तक बता रहे हैं, लेकिन 3rd of May के बाद भी मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो है लॉकडाउन ऑफ कर दिया तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि मुझे ये लगता है कि ये पूरा साल हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा और थोड़ा सा हमें अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे हम लोग भीड़भाड़ वाली जगह पे जाते हैं अपने फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ कभी खाना खाने, सो वो सब चीजें जो हैं मुझे लगता है थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेंगी। पब्लिक प्लेस पे जाना अवॉइड करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रैवलिंग भी मुझे लगता है लोग कम करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होते ही कोरोना खत्म होने की कोई गारंटी नहीं है। और पहले से जो केसेस बढ़ रहे थे, सपोज अगर 3 दिन में डबल केसेस हो रहे थे तो अब 10 दिन में होने लगे हैं, तो काफी फर्क पड़ा है। और बाकी बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, सूरज कुमार सिंह लिख रहे हैं, कमेंट भी पढ़िए सर, आप ही कमेंट में पढ़ रहा हूँ, एक ने सिर्फ अंगूठा लिखा है, उनको भी मैं क्या रिप्लाई करूँ। लव यू भैया, ओके थैंक यू ब्रदर, लव यू टू। कपिल ने अपने फैंस के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि उन्हें भी नहीं है पता कि कब उनके शो का होगा कमबैक, साथ ही सभी को अलर्ट रहने की दी सलाह भी। भाई वापसी कब तक होगी फेवरेट शो की लोगों के? ओके दोस्तों, मैंने पहले बताया यार, अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है शूट का, लेकिन बहुत जल्द हम लोग वापस आएंगे। लव फ्रॉम गुजरात, शुक्रिया केतुल जी। अश्मीत सिंह, हेलो फ्रॉम फगवाड़ा, हेलो जी फगवाड़े वाले। लव फ्रॉम नेपाल, वाओ दोस्तों मुझे पता नहीं था एक्चुअली यार, ये बड़ी अच्छी चीज है, मैं आया करूंगा लाइव और भी, बिकॉज आप लोगों से कनेक्ट रहने का, आप लोगों के साथ हालचाल पूछने का, ये बड़ा अच्छा जरिया है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया का जितना हो सके अच्छा इस्तेमाल किया करें आप, और इस समय में जब बहुत ही अच्छे अच्छे कामों की जरूरत है, अच्छी चीजों की जरूरत है, अच्छी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो उसका जो मिसयूज है वो कोशिश करें कि ना हो। अगर आपके आसपास भी कोई कुछ मिसयूज करता है सोशल मीडिया का, तो उसको आप मना करें। कपिल ने अपने इस लाइव चैट के दौरान अपने टीम के सीनियर राइटर से भी लोगों को मिलवाया और साथ ही में दिया हिंट आने वाले कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में। एक बात बताओ अंकल भाई, आप मेरे से 5-6 साल बड़े ही हो जहां तक मुझे पता है। जी 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 बिल्कुल बड़ा। आपका चेहरा इतना सा भी नहीं बड़ा, मतलब आपका वेट क्यों नहीं बढ़ रहा, हमारा क्यों बढ़ रहा है? मैंने जो कैमरा है ये टॉप एंगल पे लगाया हुआ है, नीचे लगाऊंगा तो थोड़ी डबल चिन दिखती है। आपका आपका वेट क्यों नहीं बढ़ता भाई साहब? बस सर मैं थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लेता हूँ ना आपकी, क्योंकि आप अभी तो जिम्मेदारी, आप अभी तो कुछ भी नहीं लिख रहे आप, अभी आपके लिए लिख रहा हूँ, आप जैसे शुरू हो जाएगा फिर सर हम करेंगे, तो अच्छा एंटरटेन करेंगे। आपको बताना भूल गया, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ अभी नया प्रोडक्ट, नए कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं साथ में, तो वो मैं अभी लाइव जनता के सामने तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आई होप आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। बिल्कुल समझ गया मैं। अब क्या करें, अब सब सब सबको मिलजुल के ही करना पड़े, संभालना पड़ेगा ना। अभी ऐसा तो है नहीं है, सपोज अगर हम लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं तो मैं तो बड़ा पालन कर रहा हूँ जी लॉकडाउन का, बड़ी एहतियात बरत रहा हूँ, लेकिन अगर कोई और आके स्टुपिडिटी करता है और आके हमारी लिफ्ट के बटन को हाथ लगा देता है तो कितने लोगों की जान को खतरा है। सो यही बातें शेयर करने के लिए आज लाइव हुआ था मैं, तो थैंक यू अंकल भाई आप भी हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आपकी नए वीडियो का इंतजार है। बिल्कुल सर बना। और वहीं कपिल ने अपने टीम के एक और मेंबर से करवाई मुलाकात और की ढेर सारी मासूमियत भरी बात। राजन जी आइए, तो ये राजन जी हैं, राजन राजनाथ पासवान। राजन इधर आइए, अपना चेहरा दिखाइए। ये राजन जी हैं मेरे साथ, कई सालों से हैं, बड़े ही प्यारे इंसान हैं। तो ये हैं मिस्टर, इधर 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 राजो, राजन देखो इस समय आपको 18,000 लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों मेरे दोस्त जो हैं दिनेश कुमार जी, वो गिटार लेके वो भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, आपको गाने वाने भी सुनाएंगे। आपको तो क्या सुनाएंगे, हम अपना कीड़ा निकालेंगे जो हमें शौक है। तो दोस्तों ये हैं राजनाथ पासवान जी। राजन जी इधर आइए, थोड़ा फ्रेम में आइए।
तो राजन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कुछ कहना चाहेंगे जी? इस समय आपको तकरीबन 20,000 लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत मूछ आपकी का बाल एक बहुत लंबा। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सबका, करना रहा और करता रहा आप लोगों के साथ है, मैं भी जुड़ गया हूँ आपके साथ, मैं भी देख रहा हूँ। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, देखा भी नहीं था, तो बहुत बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो राजन जी हमारे साथ बहुत सालों से है। राजन जी, अभी आपको जाहिर सी बात है अपने बीवी बच्चों की भी याद आती होगी। हाँ, याद तो आती है। तो फोन करते हैं आप उनको? हाँ, फोन हम करते हैं, बात करते कर लेते हैं। लोग बोलते हैं कि आ जाइए आ जाइए, बोले कि आना ठीक नहीं है, आके कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो अगर मेरे वजह से अगर गांव सुरक्षित रहेगा तो अच्छी बात है ना, जाने क्या फायदा है। और गाँव जाने के बाद गाँव घर पे जाना अलाउड नहीं है, मुश्किल है। और घर से बाहर लोग बोलते रहने के लिए, तो खेतों खरिहानी में रहने से अच्छा है कि यहीं पर हो, तो अच्छी बात है। और गांव घर अपने परिवार के सुरक्षित का बच्चा बचने से भी मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, अपने लाइव चैट के दौरान कपिल ने बताया कि अब वो रखने वाले हैं अपने फिटनेस का खासा ध्यान और शुरू करने वाले हैं घर में ही वर्कआउट। यू आर लुकिंग फ्रेश। यस, आई एम लुकिंग फ्रेश ब्रो। योगेश मेरे ट्रेनर हैं, मतलब कभी हुआ करते थे, तो अब हम कल से दोबारा शुरू कर रहे हैं। योगेश, आर यू लिसनिंग ब्रो? पीपल आर सेइंग दैट आई एम लुकिंग फैट। तो मैं कल से वर्कआउट भी शुरू करने वाला हूँ, जितना जो घर में कर पाएंगे। और यार लाइन में आके ना बोलना बड़ा पड़ता है, बिकॉज आप अकेले ही बोल रहे हो, बाकी तो लिख रहे हैं कैसे हो आप। मैंने बोल दिया ठीक हो, नीचे दीप्ति ने लिखा लव यू, मैंने कहा लव यू। कपिल जी, न्यू एपिसोड कब आएगा ये आपको कोई आइडिया है तो बता दो, मेरे को तो कोई है नहीं। और साथ ही ये भी किया शेयर कि वो कितना मिस कर रहे हैं अपनी शूटिंग को, जो लाइव शूट करने का मजा है, जो ऑफकोर्स हम सब लोग मिस कर रहे हैं। तो जैसे ही माहौल ठीक होता है, हमें परमिशन मिलती है, तो हम लोग वापस शो जो है अपना शुरू करेंगे। और फाइनली चलते चलते कपिल ने अपने फैंस को दिया एक खास मैसेज भी। सो दोस्तों, आप अपने घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो भी राज्य सरकारें, आपके जो भी प्रशासन जो है, वो आपको जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, आप उनको मानिए। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो माहौल है ये जल्दी ठीक हो और वापस से जो है जिंदगी हम सबकी ट्रैक पे आए। सो दोस्तों, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार। आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, और जल्दी मिलते हैं दोस्तों। लव यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।